पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद से यूनाम की चोटी को फतह करने के लिए निकले अनुज वर्मा ने 15 अगस्त के दिन यूनाम की चोटी पर तिरंगा फहराकर मुरादाबाद का नाम रोशन किया। अनुज वर्मा और नूर मोहम्मद ने 6110 मीटर की चोटी पर चढ़ाई करके देश का झंडा फहराकर मुरादाबाद का नाम रोशन कर आज वापस पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यूनाम की चोटी को फतह करने के बाद मुरादाबाद पहुंचे अनुज वर्मा और नूर मोहम्मद का सीता रसोई तथा अन्य समाज सेवी लोगों के द्वारा दोनों ही पर्वतारोहियों का स्वागत किया गया। उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इस दौरान सभी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक दिन देश का नाम भी आपके द्वारा रोशन किया जाए, ऐसी सभी कामना करते हैं। इस अवसर पर मिठाई बांटकर भी खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान अनिल सक्सेना, उदय भान सिंह के साथ और भी समाज सेवी लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? अनुज वर्मा। अच्छा, कहाँ गए थे, क्या कहना चाहेंगे आज के वेलकम को लेकर? मैं यूनाम ट्रैकिंग पे गया था मनाली, 10 तारीख से 17 अगस्त तक का ट्रैक था हमारा। कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, आज सभी ने आपका स्वागत किया गया है, क्या कहें? हमने मेरे बड़े भैया अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया है, और साथ में मेरे बड़े भैया उदय भान जी को। हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया था जो कि 6110 मीटर का था और काफ़ी एल्टीट्यूड था वहाँ पे, और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से हम लोग समिट पॉइंट तक पहुँचे थे। और बीच बीच में रास्ते भी बहुत कठिन होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में चलना बहुत मुश्किल होता है, फिर अपना पूरा सारा लोड लेके लोड अप डाउन करना, एक दिन जाना एक दिन आना, ये बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं सर। इसमें आज आपका वेलकम हुआ है, क्या कहना? सर मैं अपने सभी सहयोगी, अपने सीता रसोई के जितने भी सहयोगी हैं, मैं उनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल यहाँ तक बनाया, मेरे स्वागत के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अनिल सक्सेना जी को, और जो भी सीता रसोई के सहयोगी हैं, सपोर्टिंग हैं, सभी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी को, सबसे पहले भैया दोनों अनु जी को और नूर मोहम्मद जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इनकी यात्रा संपूर्ण हुई और हम लोगों ने सीता रसोई से ही इन लोगों को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी थी, यहाँ से विदा की थी और पुनः आज ये सीता रसोई पर आए हैं। माता सीता और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद इन पर बना है और भारत सरकार भी हमारा खेलों के प्रति बहुत बढ़ावा दे रही है, तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह से ये लोग आगे बढ़ते रहें, आगे तरक्की करते रहें और आगे माउंट एवरेस्ट और उससे भी ऊँची चोटियों पर ये चढ़ें, यही मेरी इनके प्रति शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।